Welcome back to our channel. क्यों सुन रहे हो? आज शुतुर में लड़ाई हो गई कि ब्लॉग की स्टार्टिंग आज मैं करूंगी. मैंने बोला मैं करूंगा, कहती मैं करूंगी. मैंने बोला कल ले. तो आज एक गुड न्यूज है. हां बेबी, आज एक गुड न्यूज है. वो ये है कि आज मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने पहले वाले घर शादी के. और अब मैं आऊंगी 3 दिन बाद, मतलब खेलने वाली होली पे आऊंगी. बहुत फन करने वाला है मेरे पीछे से, क्योंकि महक दीदी, नताशा दीदी, अक्षय, ये सब लोग इकट्ठे मिलके बहुत मजे करने वाले हैं. तो क्या पता आपको दीदी इकट्ठी हो रही है या हाँ ठीक है, जो भी है, सबके अपने अपने कर्म तो होते ही है. बाकी क्या मैं जा रही हूँ आज शाम को. कब? 10 बजे मुझे छोड़ने जाएगा. आप जाओगे? नहीं जाओ. आप ही जाओगे और आप ही जाओगे. आप जाओगे, आप ही जाओगे. आप अक्षत चले जाओ. अक्षत छोड़ाइए उसके इसके घर. मैं अक्षत नहीं जाएगा. क्या कर रहे हो करके? तो पर इतना कम होता बैटरी, डर भी नहीं लग रहा. मैं उनको हिला रहा हूँ, हिल भी नहीं रहे और बस सांसें फूल रही है. घुट रुकू घुट रुकू घुट रुकू भैया, हमें ऐसे चलाना है. डर गई ऑलिव. अब ऑलिव डर गई है साला. कबूतर नहीं भाग रहा. हट क्यों नहीं रही? मैं यहाँ पे तुषार के लिए चाय बना रही हूँ और ब्रेड सेक रही हूँ, ताकि मेरे को बिना चिक चिक करे घर छोड़ा है. बना दी, अब चलोगे चाय? गरम में पकड़ो. सोचूंगा कितनी देर में. थोड़ी देर में सोचता हूँ भाई, मेरा नहीं लगेगा मन. मैं क्या करूँगा यहाँ पे? और कुछ तो नहीं खाना पीना आपको अभी? अभी डिनर भी तो बनाना है आपने. क्या खाओगे? शाही पनीर बना दो. शाही पनीर बना दो. ऑर्डर कर देती हूँ. ऑर्डर नहीं, बनाओ. ऑर्डर कर देती हूँ. ऑर्डर तो मैं ना कर लूंगा. बना दूंगी सीख के. अभी घर छोड़ा, अभी कुछ नहीं पता. मैं हो सकता ना जाने दूँ आपको. घर छोड़ा, मतलब ड्रामे देख रहे हो आप. एक मुझे घर जाने के लिए कितनी मरम्मत मशक्कत करनी पड़ रही है भाई. मेरी मम्मी को भी तो मैं याद आती है ना. अब मेरे को शाही पनीर बनाना नहीं आता. अब जाऊंगी तभी तो सीख के आऊंगी, तभी तो खिलाऊंगी. नहीं समझ ही नहीं आ रहा इसको. भेज के तो आना पड़ेगा इसको मुझे. नहीं जाओगी? भेज के तो आना पड़ेगा. नहीं भेजोगे, आप ही जाओगे छोड़ने. बता दिया मैंने भी. ऐसे ही मुंह हो जाएगा जब नहीं जाओगी ना. आप ही छोड़ के आओगे, मुझे बता दिया मैंने. नहीं छोड़ूंगा. छोड़ के आओगे फिर दूसरे देके जा. कोई बहन है? अक्षत देके जा रही हूं. अक्षत का क्या करूंगा मैं? बैगन जुगाड़ करा के जा. जुगाड़ करा के जा फिर चली जाइए. दिमाग मत खराब करो. नहीं जाओगी? बस बोल दिया. जाऊंगी. जाके दिखा ये दहली तूने टांगी, फिर तू आके दिखा दियो. मैंने बर्तन भी धो दिए. अब पूछती हूँ, अब जाओ. बर्तन भी धो दिए. नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना. आओ दिखाऊं. अब तो मैंने बर्तन भी. मैं चला जाऊं? ऐसा करते हैं, आप आ जाओ, मैं कहीं और चले जाता हूँ. बोलो, डील कर लो. क्यों? आप आ जाओगी, मैं अक्षत अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों पे चला जाता हूँ 3-4 दिन के. बताओ. मैं पहाड़ों पे जा रही हूँ, मेरा घर पहाड़ों पे है. आपका घर तो खैर पहाड़ों पे भी नहीं है. मतलब क्या था? खाने में. बट मैं फिर पश्चिम बिहार में, रोहिणी में रहते हैं. कंजर खाना, ये रहा कंजर खाना. कोई नहीं, मैं जा रहा हूँ. आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप जाओ, 100 बार जाओ. तो मैं पहाड़ों पे जा रही हूँ कि घर जा रही हूँ? चलो पहाड़ों पे नहीं जाऊंगा, जयपुर तो कोई कहीं नहीं जाना. होली मनाएंगे. कदम घर से बाहर ना निकले, टांगे तोड़ दूंगी, उल्टे कर दूंगी. देखो प्लीज, दिमाग मत खराब करो. मेरे को तो जाना. बर्तन भी धो दिए. बढ़िया, अच्छा करा. गुड गर्ल. अरे अब गर्मी आ गई, वैसे भी काम वाली लगाने का टाइम आ गया. नहीं जाना. होली तुम साथ में खेलेंगे ना? क्या पान खा के आयो? चाय पिए. यार प्लीज यार श्रुति, नहीं जाना यार. आपने ही बोला था थोड़ी देर पहले कि 10 बजे घर छोड़ के आऊंगा. अपना बैग पैक करके रख लियो. तब क्यों बोला था? मेरा मन नहीं मान रहा, मेरा मन नहीं मान रहा. मैं नहीं जा सकता, मेरे को नहीं जाना कहीं. और आप भी नहीं जाओगी. कौन बनाएगा व्लॉग? कौन देखेगा सब कुछ? आप बनाओगे ना? यहाँ यहाँ तो
बहुत ज्यादा महफिल लगेगी। महफिल लगेगी या फिर महफिल ही लगेगी? लगेगी फिर महफिल ही लगेगी। लगेगी वो वाली महफिल लगेगी। लगेगी लाइटा यहाँ ठीक करके यहाँ कुछ और कराऊंगा फिर मैं। किससे कराओगे? बुलाऊंगा। जाओ अगर आप में दम है जाओ। मैं दम है तो महफिल जमा के दिखाओ। कैमरे का एक्सेस तो मेरे पास भी है ना घर के। नहीं है अभी लॉगिन करके जाऊंगी जाने से पहले। जाने से पहले तो लॉगिन करके जाऊंगी। नहीं जाना। जाऊंगी नहीं जाना। क्यों? बहने नहीं आएंगी आपकी? दीदियां नहीं आएंगी? आएगी अभी तो। नई नई शादी हुई है नहीं जाना। नई नई शादी में कहीं नहीं जाना। पुरानी में तो आप खुद छोड़ के आओगे। हाँ तो जब तो कह रहा थोड़ा तो नई में रहे घर। नहीं जाना भाई। जाना तो है। नहीं जाना। जाना तो है। टांगे थोड़ी कर रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हो? मैं स्टीम बाथ निकाल रहा हूँ। मतलब? अरे मेरे पास एक स्टीम बाथ रखी है वो निकाल रहा हूँ। अब निकाल रही हूँ जब मैं जा रही हूँ। तो आप पहले लगता जा ना रही? आज ही करोगे? आज स्टीम बाथ लूंगा। मेरा मन ऐसा दिनों से मैंने बोल भी रखा था यूट्यूब पे कि मैं स्टीम का बाथ लूंगा तो स्टीम बाथ दिखाऊंगा। इधर ही खा रखा बात नहीं है ये। मैं तो सर पे रखवाने वाली थी अपने। ला प्लेट वाला तो मुझे थोड़ी पता। पहले दिखाओ अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं भी थोड़ा प्लान में चेंज करूंगी फिर। मिल गया यही है। अरे गिर जाओगे आप। पकड़ पकड़। अभी माता की चौकी। वाओ होली के बाद माता की चौकी उसका काम आएंगे। माता की चौकी हमारे घर में? हां जब आप घर चले जाओगे तब कराऊंगा। यार कटवा दूंगी ऑलिव से। यहां ऑलिव चाहिए? ऑलिव चूहा। ऑलिव चूहा। ऑलिव कोई और चूहा ही पकड़ लेगी बता दूं। बड़ा ना बड़ा मजा आता है जब ना अलमारी खोलो नई नई चीज मिलती है ना पुरानी तो बड़ा मजा अलग सी फीलिंग होती है। ओए हमारे पास ये भी है। मुझे इससे ऑलिव के ऊपर मास्क गिरे। वैसे इतने मास्क रखे क्यों हैं? कोविड के टाइम पे देखो हमारे घर में क्या। मुझे ना ये हरकतों से एक चीज याद आई जब हम छोटे छोटे थे ना ऑलमोस्ट फोर्थ फिफ्थ क्लास में तो मेरा भाई और मैं ना ऐसे ऊपर जो एक्स्ट्रा सामान रखा होता चढ़ चढ़ के निकालते थे और लाल चींटियां काटती थी गर्मियों में गंदी गर्मियों में। तुम्हारे घर में मैंने बोला था कंजर खाना लाल चींटियां तुम्हारे घर में निकलती पुराने वाले घर में। दोबारा मत बोल दियो। भाईयो मैं दिखाता हूँ ये रही स्टीम बात वहाँ बैग थे मेरे ख्याल से खुल जाएगी ये। खुल गई। मैं करूंगा। ये तंबू है इस तंबू में बैठना है। ये गेर कैसा रही हो? सीधा खड़ा करो ऐसा होगा खड़ा। हाँ सही खड़ा था नीचे करो उसको। सर फाड़ लू इस औरत के साथ मैं खुद ही आगे कर लूंगा। क्या सर घुस गई चाहे बेसक उसमें कॉकरोच हो कुछ हो घुस गई उसके अंदर। क्यों घुसी? हमारे लगता है हमारे घर में नया जानवर आया है। ओलू ओलू को कैंप मिल गया। जी आप पीना क्या करते हो आप? मम्मी क्या जाके आपको बताएगी? मम्मी ने इतने छुपा छुपा के रखा कहते तुम। मम्मी ने ये वाले कप पता नहीं क्यों छुपा रखे बल्कि मुझे ये कप बहुत पसंद है। ये कप जुदाई मैं कैसे हुआ माँ की कसम पड़ जा आपको गिरने। जुदी मैं गिर तू मैं पकड़ रखा है। मैं वैसे गिर जाऊंगा तेरे। तू हट जा यहां से। तू हट जा मेरा पैर पिसने पूरा प्लीज हट जा। पर मैं मुझे क्या पता पाइप कहाँ है यार। अब इतना सामान तो निकल गया पाइप भी ढूंढो। एक मोटी पाइप भी चाहिए। वॉशिंग मशीन की ले लो। ये वाली पाइप लगेगी साहब। मिस्त्री 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 पता नहीं क्या ये क्या क्यों हमें एक घंटा लग गया सिर्फ ये रिंग जो रिंग ढूंढने में। क्या मैं कैसे डालूं? आप खुद डालो ना बस। मैं मेरा ही काम है डालने का सारा। हाँ 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 और मुंडा बाहर रखना है। मैंने भाई वो स्टील वाली चेयर थी वो तो हमारे पिछले घर पे रखी तो मैंने स्टूल रख लिया है। और इसमें ना मतलब अभी तो मैं नंगा जाऊंगा। इसमें ऐसे बैठ के अंदर दो जिपर है एक अंदर भी एक बाहर भी। इसको ऐसे बंद कर लो। माँ ताड़ी फंस गई। ऐसे बैठ जाओ यहाँ से थपेड़े पे थपेड़े थपेड़े पे थपेड़ ऐसे स्टीम आएगी अंदर। पर उससे क्या होगा फिर? हमारे जो बॉडी की वो हो जाएगी डिटॉक्स हो जाएगी थोड़ी बहुत और वेट लॉस में भी हेल्प करती है स्टीम तो। कितनी बार ले सकते हैं हफ्ते में? हफ्ते में दो बार दो तीन बार आराम से। मैं तो एक टाइम पे जब मैं श्रेड हो रहा था मैंने तो हर डेली ली थी। बट इसमें पेशेंस चाहिए 10-15 मिनट होल्ड चाहिए क्योंकि 5 मिनट बाद ना बॉडी बहुत ज्यादा हीट होने शुरू हो जाती है।
बट उसके बाद जो लेवल आता है जब आपका डिटॉक्स लेवल शुरू होता है बेसिकली पोर्स जो होते हैं ओपन होते हैं सारी डर्ट रिमूव हो जाएगी खुद ही। इसके बाद फिर मुझे मुंह पे लेने वाला स्टीमर भी मंगाना है। तो ना मुंह पे लेने वाला तो ऐसा करो केतले पान डालो ऐसे कर दो को मजा आ रहा है जो है ना पाइप निकाल के से मुंह के पास रख लो आना शुरू हो गया अंदर से। अब बैठते हैं कपड़े उतार के सीधा अंदर। और ये कंपनी यार ऐसी है कुछ मेरे तो 4-5 साल चल गई है खैर, बट ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। अपने रिस्क पे लेना प्रोडक्ट कैसा निकले कैसा नहीं निकले। मेरे पापा को बड़ा शौक था इन चीजों का तो पापा ने मंगवाई थी। और इसमें अब हम बैठते हैं और आपको सीधा दिखाता हूँ इसमें कैसे फोन चला लो यहाँ से देती हूँ बट स्टीम बाहर आ जाएगी ना। देखो बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है कि कहाँ गया ये कर क्या रहा है। तुषार का नया रूप। अरे तुषार का मुंह कहाँ है तो यार मजा आ रहा है। ग्लो तो आ गया। ग्लो आएगा पूरी बॉडी पे। तू जा रही है ना सारा ग्लो देखेंगे दुनिया। इसको मैंने ना पंखा चला जिसको देखना था किसने चलाया। भाई मैं लेके आ गया हूँ स्टीम बाहर। एक नंबर मजा आ गया भाई। आप चेहरे पे ग्लो देखो एक नंबर भाई। सारा बॉडी ना मतलब इतना हल्की हो गई बॉडी। बहुत मजा आ रहा है। अब श्रुति के लगाइए। श्रुति तो बाथरूम में ले लेगी। मैं तो बाहर एक बार चेक कर रहा था कि इतने सालों बाद चला रहा हूँ। श्रुति को अंदर स्टीम में बैठा दिया है। हम भाई मैं हो गया हूँ रेडी। और रेडी क्या हो गया हूँ श्रुति को कहीं जाने नहीं देना। जाने देना भाई नहीं, नहीं देंगे जा रहा हूँ अंदर गूगल से बातें कर रही है। गूगल सेट द अलार्म। गूगल बाहर तो आवाज तो आ ही रही है। श्रुति आ गई है बाहर। सच्ची चीज बता रहा कैसा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हुआ पर सांस चढ़ गई। सांस कुछ नहीं भाई आजकल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी बहुत मजा आया हमें स्टीम लेने में। और बात तो अभी भी वही की वही है कि श्रुति अपने घर नहीं मेरा पूरा जाए। फेस जी मैं पूरा फेस लाल हो गया क्योंकि मैंने कंटिन्यूअस ग्लो तो आ रहा है। ग्लो तो आ रहा है। अब एक काम कर दो जरा आज कहीं चलते पार्टी वार्टी कराते हैं। हाँ यही तो मेरी टेक्निक है इसको करना भेजने की। रोज पार्टी करेंगे। कहीं नहीं जाना है बुढ़िया। सुनो सुनो मेरी बात। आज हम कहीं जाएं या ना जाएं उस बहम निकाल दो कि मैं आपको छोड़ने जाऊंगा या आप कहीं जाओगी यहाँ से। मत करो यार मत करो मेरे बिल्कुल। आपने मेरा ठेका थोड़ी ले लिया है भाई। मैं अपने घर जाऊंगी हद हो गई। मम्मी पापा देखेंगे ना गुस्सा करेंगे ये सब। मेरे मम्मी पापा भी गुस्सा करेंगे। लग रहा खरीद लिया मेरे को। जाऊंगी बिना पूछे भी जाऊंगी। हाँ? सात वचन में से एक वचन यही था कि बिगर पूछे कहीं ना जाएगी। एक वचन ये भी था कि माँ बाप के घर जान से रोकेगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं था अपने आप बनाए तो तुझे। ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। ओलिफ तू भी नहीं जाएगी कहीं। मेरी जगह पे बैठी है। तो गाइस ग्लो तो आ गया है ऐसे मजाक सट के। और बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा है। बॉडी बहुत ऐसे लाइट वेटेड फील हो रही है। और बहुत जल्दी जिम भी शुरू करने वाले हैं हम पक्का। क्योंकि क्योंकि पता है एक ही रीज़न था हमारा जिम ना जाने का। वो बहुत दूर है एक्सट्रीम दूर। मतलब बहुत ट्रैफिक होता है बहुत सी चीज़ें होती हैं। मतलब पहुँचते पहुँचते इतनी लेजीनेस हो जाती है ना तो मन ही नहीं करता फिर जिम करने का। तो वो वाली फीस हमारी ख़त्म हो गई है वहाँ की। और अब हम यहीं आसपास ज्वाइन करेंगे तो यहाँ तो मैं कभी भी जा सकती हूँ। सो आई एम एंडिंग दिस व्लॉग हेयर ओनली। और मुझे तो तुषार पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वैसे मैं आज तो नहीं जा पाई और आज तो जाना भी नहीं था मुझे। मैं वैसे ही बोल रही थी मुझे कल घर जाना है। और मैं देखती हूँ कि ये मुझे कैसे नहीं घर छोड़ के आता है। क्योंकि अगर इसने मुझे घर नहीं छोड़ा तो मैं इसको इतना सुझा दूंगी ना मार मार के। मुझे बोलना मत कि आप उस पर हाथ क्यों उठाते हो क्योंकि भाई मुझे घर नहीं जान दे रहा है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है और मुझे घर जाना है क्योंकि होली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सस्पेंस बना रहेगा कि तुषार जाने देगा या नहीं देगा। वैसे तो जाने देगा ही। उसको जाने देना पड़ेगा। और जय गुरु जी। आज के व्लॉग में इतना ही।